गंगा की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गंगा की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है गंगा। गंगा की उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण गंगा बड़े आदर के साथ वंदित है। गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, जय हो मैया हम तेरी महिमा गाए, जय हो मैया हम तेरी महिमा गाए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, जय हो मैया हम तेरी महिमा गाएं, जय हो मैया हम तेरी महिमा गाएं। दूर दूर से आए मैया भक्त जनों की टोली, दूर दूर से आए मैया भक्त जनों की टोली, गोद में तेरी डुबकी लगा के तेरी जय जय बोली, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, जय हो गंगा हम तेरी महिमा गाए, जय हो गंगा हम तेरी महिमा गाए। तेरे जल की अमृत मटकी दूर दूर तक जावे, तेरे जल की अमृत मटकी दूर दूर तक जावे, तेरे जल की एक बूंद से सब पापी तर जावे, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, जय हो गंगा हम तेरी महिमा गाए, जय हो गंगा हम तेरी महिमा गाए। कल कल करती तेरी धारा जन जन के मन भावे, कल कल करती तेरी धारा जन जन के मन भावे, हाथ जोड़ कर सारे मैया तुझको शीश नवाए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, जय हो गंगा हम तेरी महिमा गाए, जय हो गंगा हम तेरी महिमा गाए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, गंगा मैया हम तेरे दरस को आए, जय हो गंगा हम तेरी महिमा गाए, जय हो गंगा हम तेरी महिमा गाए। नमामि गंगे परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है जैव विविधता संरक्षण, जिसका दायित्व भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून को दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में इस संबंध में हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रुचि बडोला, जो कि संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक और जैव विविधता संरक्षण की समन्वयक हैं। ये जो जैव विविधता का संरक्षण का जो एक मुद्दा था गंगा नदी में, इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार रिकॉग्नाइज करा गया कि उसके लिए ये परियोजना दी जाए और ऐसी जैव विविधता का संरक्षण करा जाए। लेकिन इसकी एक खासियत थी, इस प्रोजेक्ट में ये था कि हमें एक साइंस बेस्ड कंजर्वेशन प्लान तो बनाना था गंगा बायोडायवर्सिटी के लिए, लेकिन इससे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भागीदारी होना आवश्यक था। और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गंगा में या किसी भी नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन में वहाँ के स्थानीय समुदाय होते हैं। तो मैं आज आपको उसी के बारे में हमारे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं स्थानीय समुदायों को गंगा की जैव विविधता संरक्षण में जोड़ने की, उसके बारे में थोड़ा सा अपना जो मेरा अनुभव है उसको मैं शेयर करना चाहूंगी। तो हमें जब ये कार्य दिया गया तो हमें एक चैलेंज था, क्योंकि नदी एक लीनियर सिस्टम है और गंगा नदी कई तरह के इकोलॉजिकल एरियाज, देखिए हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाती है और रास्ते में कई अदर अलग अलग इकोलॉजिकल जोन, कल्चरल सेटअप,
लोगों के अलग अलग रहन सहन, अलग अलग उससे जो लोगों की जीविका का जो निर्भरता है वो भी अलग किस्म की है, तो इतने डिफरेंट जो वेरिएशन हैं उनसे गुजरती है और ऐसे सेटअप में लोगों को एक साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती। तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसको शुरू करा जाए, तो पहले तो हमने जगह जगह जाके लोगों के साथ बैठकें करी, उनको जागरूक कराया और एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिला। वो रिस्पांस दो तरह के, एक रिस्पांस तो ये था जो कि हमें लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी लोग थे या स्थानीय लोग भी थे, उन्होंने ये बोला कि गंगा का ये वाला जो स्वरूप है जिसमें गंगा की बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करा जाता है, इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता था। अक्सर ये वाला हमें फीडबैक मिला, लेकिन कहीं कहीं की कम्युनिटीज को तो इसके बारे में काफी नॉलेज थी जो समुदाय थे, लेकिन जब लोगों का एक रिएक्शन तो ये होता था कि अच्छा गंगा में इस तरह की बायोडायवर्सिटी भी है तो ये बहुत अचंभे की बात है, और दूसरा जो उनका रिएक्शन होता था वो ये था कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, गंगा हमारी नदी है, राष्ट्रीय नदी है, गंगा हमारी पूज्य नदी है, और इसके अलावा अगर इसमें इतनी जो है जैव विविधता की धरोहर है तो हम भी इसके संरक्षण में प्रतिभागी बनना चाहते हैं। तो एक तरह से हमारे लिए एक कॉन्टेक्ट सेटिंग बहुत ही पॉजिटिव वे में हो गई थी पूरे एरिया, अलग अलग तरीकों से अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग किस्म के लोगों के साथ मिलकर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गंगा के किनारे रहने वाला जो प्रथम व्यक्ति है उसको गंगा के संरक्षण में हमें भागीदार बनाना था। तो ये चैलेंज को हमने एक डिफरेंट रूप में प्रेजेंट करा, क्योंकि हमें ये लगा कि ऐसे तो सरकारी बहुत योजनाएं बन रही हैं, बहुत सारे ग्राम स्तरीय समूह जो हैं वहाँ गांव में है अभी भी और वो भी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमारा क्या ऐसा योगदान हो कि इन कार्यों को भी गति मिले और जो है लोगों की जो सहभागिता है वो बिल्कुल इसमें रम जाए। तो हमने एक कंसेप्ट निकाला गंगा प्रहरी का, गंगा प्रहरी गंगा के संरक्षण। और किसको हमने क्या करा कि जो हमें पहले पहले राउंड में लोग मिले जो कि बहुत इंटरेस्टेड थे गंगा की, गंगा को बचाने में, उसकी स्वच्छता में, उसकी जैव विविधता को बचाने में, उनकी हमने एक सूची तैयार करी और उनके साथ कई बैठकें करी। ऐसे पांचों राज्यों से करीब 250 लोग हमारे साथ जुड़ गए। हमने उनका एक डेटाबेस बनाया और उन्हें गंगा प्रहरी का नाम, और सिर्फ नाम नहीं दिया, डेटाबेस नहीं बनाया, उनसे बातचीत नहीं करी, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू करा। और ये हमारी राष्ट्रीय स्तरीय जो ट्रेनिंग थी वो ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन आश्रम में मार्च 2018 में, जिसमें पांचों राज्यों के गंगा प्रहरी आए और उन्होंने एक साथ अपने नजरिए, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सोच को साझा करा हम लोगों से और एक्सपर्ट से, साइंटिफिक तौर पे गंगा के बारे में जानकारी प्राप्त करी और बहुत ही मोटिवेटेड और उत्साहित होकर वो लोग यहाँ से अपने अपने क्षेत्रों में वापस गए और वहां जाके उन लोगों ने कार्य करा, हम लोग उनके साथ जुड़े रहे और इस तरह से ये गंगा प्रहरी काडर बढ़ता चला। रुचि जी, थोड़ा बताएं कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपने जो अनुभव थे वो साझा किए, आपने पहले भी जिक्र किया कि हर जगह गंगा की जो जैव विविधता है उसमें अंतर है। यदि हम उत्तराखंड की बात करें और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश और अंत में जब बंगाल तक ये नदी जाती है, तो बहुत रोचक संस्मरण अनुभव उनके अब तक पहुंचे होंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो प्रशिक्षण सरकारी तौर पर दिया गया, तकनीकी जो ट्रेनिंग थी, प्रशिक्षण था, वो किस प्रकार का था जिससे कि वो इतने ज्यादा मोटिवेट होकर, प्रभावित होकर अपने क्षेत्रों में गए और उन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया। पहले तो मैं आपको बायोडायवर्सिटी के बारे में बताती हूँ कि जब जैसे गंगा का उद्गम यहाँ से उत्तराखंड से होता है, ये हिमालयी क्षेत्र है तो यहाँ पर खास तौर पे गोल्डन महासीर मछली, स्नो ट्राउट इत्यादि, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है बायोडायवर्सिटी में। उसके बाद जब नीचे प्लेन्स की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ निकलते हैं और बिहार की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे गंगई डॉल्फिन, घड़ियाल, मगर, प्रवासी पक्षी इत्यादि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये सब झारखंड तक और इवन पश्चिम बंगाल तक भी पाई जाती है और वहाँ पर जो मछलियों की जो वेराइटीज है वो अलग अलग होती चली जाती है। इसके अलावा 13 प्रकार के कछुओं की जो प्रजातियां होती है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है अलग अलग स्थानों से। कुछ कछुओं की प्रजातियां जो है वो पश्चिम बंगाल में जो ब्लैकिश वाटर होता है उस पानी में पाई जाती है सिर्फ, और कुछ ऐसी होती है जो कि सिर्फ नीचे पानी में पाई जाती है। तो इस तरह से बायोडायवर्सिटी भी गंगा की बदलती हुई जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है या जहां से वो बह रही है उसके हिसाब से बदलती चली जाती है। अब आपने बात करी गंगा प्रहरियों के प्रशिक्षण की, ये प्रशिक्षण कई चरणों में करा गया है। जैसा कि आपने पूछा कि वो क्यों मोटिवेट हुए, उनके मोटिवेट होने के तो दो कारण थे। एक कारण तो ये प्रशिक्षण था जिसने उनको की एक साइंटिफिक बेस दिया। वो तो जानते थे कि गंगा में डॉल्फिन भी पाई जाती है क्योंकि वो तो गंगा के साथ रहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की जैव विविधता वो जानते थे, लेकिन उस जैव विविधता के बारे में साइंटिफिक तथ्य जब उनके अपने एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट करते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत ही
रोचक अनुभव था। उसके अलावा कई गंगा प्रहरियों ने तो हमें ये बोला कि हमें पता ही नहीं था कि गंगा जी ऐसी है, क्योंकि ऋषिकेश में जो गंगा जी दिखती हैं वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती। तो ऐसे ही गंगा प्रहरियों को अलग अलग जगहों में ले जाके गंगा के डिफरेंट स्वरूप दिखाए गए। उनको जैसा भी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, उनकी रुचि थी, जिस जगह में वो रहते थे उस हिसाब से प्रशिक्षण दिए गए। जैसे कि जो यूथ था उनको गंगा में इकोलॉजिकल सर्वे में ट्रेन करा गया कि आप अगर गंगा में जैव विविधता देखते हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपको क्या क्या चीजें पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना और रिकॉर्ड करना है। बर्ड वॉचिंग में ट्रेनिंग दी गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग जो हमने इन लोगों को दी वो थी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब जो व्यक्ति अगर कोई भी जलीय जीव किसी संकट में आता है, किसी जाल में फंसता है या कहीं और तरह से बीमार हालत में या मृतक हालत में मिलता है, तो सबसे पहले इसकी सूचना इन्हीं लोगों को मिलती है क्योंकि ये तो गंगा के साथ रहते हैं, गंगा में रहते हैं, तो वो उस हालत में उनका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए साइंटिफिक भी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनमें से बहुत सारी स्पीशीज जो है वो शेड्यूल वन स्पीशीज, तो इस तरह के उनको प्रशिक्षण दिए गए। इसके अलावा अपने आसपास के समुदायों को कैसे प्रेरित करना है, कैसे जागरूक करना है, किस तरह से ऐसे कार्यक्रमों का विकास करना है, स्कूलों में जाके किस तरह अवेयरनेस एक्टिविटीज करनी है, वृक्षारोपण के जो टेक्निक्स हैं, इस तरह की कई प्रकार की ट्रेनिंग करनी। एक बहुत ही अहम जो प्रशिक्षण था जो हमारे लिए बहुत अहम साबित हुआ वो एक चैलेंज से निकला, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इन क्षेत्रों में यह था कि महिलाएं आगे नहीं आती हैं बहुत जल्दी। तो जब हम गांव में गए और हमें लगा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए हमको थोड़ा सा अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो हमने महिलाओं से जब वार्तालाप करा तो हमें लगा कि महिलाओं का इंटरेस्ट तो अपनी जीविका में होगा, जिससे कि वो अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकें। तो हमने कुछ गांवों में छोटे छोटे लाइवलीहुड सेंटर्स खोले और उसमें आसपास की महिलाओं को, वहां की महिलाओं को बहुत ही सिंपल लाइवलीहुड में ट्रेन करना शुरू करा, जैसे कि सिलाई, जिसमें कि हमने उषा जो कंपनी है उनके साथ हमने ज्वाइन करा और उनके प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी गई, उनसे सर्टिफाई करा करा हमारी महिलाओं। उसके अलावा छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी गई कि महिलाएं खुद अपने गांव में, अपनी जगह में इस तरह से स्थानीय सामग्री को यूज करके कैसे ब्यूटी पार्लर चला सकती है, कैसे अपने ही घरों में पाए जाने वाली सामग्री से वो पौष्टिक चीजें बना सकती है जो कि बिक भी सकती है और जो कि वो अपने घर में भी जिनका सेवन करा जा सकता है। इसी तरह से ऐसे धूप अगरबत्ती जो गिरे फूल होते हैं, वेस्ट फ्लावर्स होते हैं घाटों पर, उनसे धूप अगरबत्ती कैसी बनाई जा सकती है, तो इस तरह से महिलाओं की भी बहुत भागीदारी बढ़ती चली गई और आज हमारे गंगा प्रहरियों की संख्या लगभग 1300 है। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं हमारे पास गंगा प्रहरी बनने के लिए और हम इस संख्या को बहुत बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारी अप्रोच यही थी कि जिनको हम ट्रेन करेंगे और उनसे जब तक हम अच्छी तरह से उनको अपने जो कार्य को नहीं समझाएंगे तब तक हम उनको रजिस्टर नहीं करेंगे। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता जा रहा है और इसी गंगा प्रहरी काडर के कई अलग प्रारूप भी हैं, जैसे कि स्कूलों में जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम बाल गंगा प्रहरी बना रहे हैं ताकि आज से ही हमारे बच्चे गंगा के संरक्षण, गंगा की स्वच्छता के महत्व को समझे और उसका कुछ कुछ साइंटिफिक बैकग्राउंड भी जानना शुरू कर। तो इसके लिए हम इस पूरे क्षेत्र में कई स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के अखबार बना रहे हैं, मैगजीन्स बना रहे हैं, पुस्तकें बना रहे हैं, कई तरह की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं बाल गंगा प्रहरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर रुचि बडोला, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि गंगा में जो पानी है बहुत स्वच्छ है, गंगा के जो किनारे हैं वो भी बहुत स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, और मैं इस बात की पुष्टि इसलिए कर सकती हूँ कि संपूर्ण गंगा से रोज हमारे गंगा प्रहरी वहाँ पे लगे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं पूरी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को मेंटेन करते हुए, और वो हमें रोज चित्र और छोटे छोटे वीडियो द्वारा गंगा की स्थिति, वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है उसकी कंडीशन के बारे में भेज रहे हैं। तो गंगा की स्थिति में तो जरूर सुधार हुआ ही है लॉकडाउन की वजह से, पर इसके अलावा जो हमारे लोग हैं गंगा के किनारे वो एक लोकल लीडरशिप के रूप में भी उभर के आ रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिनर्जी भी क्रिएट हो रही है ग्रासरूट लेवल। तो डॉक्टर रुचि बडोला, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी डॉक्टर रुचि बडोला, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और जैव विविधता संरक्षण की समन्वयक। इसी के साथ गंगा की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी यहीं पर संपन्न होती है। अगले सप्ताह इसी समय आज ही के दिन एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून।